अजय चंद्र चौबे कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो निशाना साधते हैं, नेताओं को अलग अलग आरोप लगाते हैं, लेकिन दरवाजा खुला करके भी बैठे हुए हैं कि आइए उधर से और हमारे पास आकर के एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर आप पूरे अगर कितने ही दाग आप पर हैं तो वो साफ हो जाइए। पहले आप कैप्टन को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के नेताओं के इतने सारे बयान, कैप्टन को क्या क्या नहीं बताते थे, कभी जो है वो बादलों के दलाल बताते थे, अकालियों से मिले हुए बताते थे, उनको कितना भ्रष्ट बताते थे। अभी वही कैप्टन आप बता रहे हैं 2 दिन से कि वो फौजी हैं इसलिए वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो आपके वहां पर जो आ जाए वो सबसे बढ़िया नेता हो जाता है। राघवेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए राघवेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी तो म्यूट में कभी रहती ही नहीं है, आप कैसे आ गए म्यूट में? अरे आप देखिए आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही थी जी। हेमंत जी, मैं चौबे जी की समस्या समझता हूँ, विचारों के बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं इसलिए अनर्गल बातें करते हैं। विषय यह है भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से नेता कार्यकर्ता क्यों आ रहे हैं, सीधे से जवाब है हेमंत जी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है जी, राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाली है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे को तथाकथित बिल्कुल हूबहू उतारने वाले राजनीतिक दल है। हमारी पार्टी जो है, जो व्यक्ति हमारी पार्टी में हमारी विचारधारा को समर्थन करता है, हमारी विचारधारा को समझता है, पंडित दीनदयाल अटल बिहारी वाजपेयी के एकात्म मानववाद को समझता है, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति जो खड़ा है उसको सरकारी लाभ या समाज हित की योजनाएं पहुंचने की बातें जो हम लोग कहते हैं उस पर विश्वास करता है, तो उसको हम लोग गले लगा लेते हैं।